दोस्तों BEE इन हिंदी चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रवि सिंह। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज मैं आप लोगों को फॉर्म फैक्टर और पिक फैक्टर के बारे में कुछ बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि मैं आप लोगों को फॉर्म फैक्टर का डिफिनेशन बताऊं, तो उसका डिफिनेशन ये होगा VRMS और VAverage के अनुपात को ही फॉर्म फैक्टर कहा जाता है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये तो इसका डिफिनेशन हो गया। अब मैं फॉर्म फैक्टर को प्रयोग में कैसे लाते हैं, इसका उपयोग आप लोगों को बताऊंगा। चलिए देखते हैं। फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर का हिंदी अर्थ होता है रूप गुणक। जैसा कि आपको रूप शब्द के अर्थ से कुछ स्पष्ट हो रहा होगा कि रूप मतलब क्या होता है, चेहरा, नकाब या किसी का रूप, ठीक है, रूप गुणक। इसी से हम लोग समझेंगे कि फॉर्म फैक्टर होता क्या है। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में कहीं चेहरा तो बनता नहीं है, तो क्या बता रहा है? ये बता रहा है वेवफॉर्म। वेवफॉर्म दिख रहा है लोगों को, यही सब वेवफॉर्म है। तो वेवफॉर्म किस रूप में बनता है, यही बताता है फॉर्म फैक्टर। अब आप लोग सोचेंगे कि फॉर्म फैक्टर से कैसे वेवफॉर्म बनता है। वेवफॉर्म कितने तरीके से बन सकते हैं? दो तरीके से। कौन कौन सा? या तो एसी सिग्नल के रूप में या तो डीसी सिग्नल के रूप में, ठीक है। एसी सिग्नल के वेव फॉर्म होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है असिमेट्रिकल, एक होता है सिमेट्रिकल वेव, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कोई वेव फॉर्म सिमेट्रिकल है तो उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल ही बनेगा केवल, तो उसका पीरियड टाइम हाफ साइकिल होगा। और आप लोग जानते हैं कोई भी हाफ साइकिल डीसी होता है, ठीक है। ये बात तो गौर कीजिएगा कि कोई भी हाफ साइकिल डीसी होता है, ठीक है। तो डीसी के कुछ प्रकार हैं, दिखाया गया है डीसी के कुछ प्रकार। ये देखिए, जैसा कि मैंने आप लोग बताया था पीछे कि ये कौन सा है, प्योर डीसी है, क्योंकि इसका हर समय पर वोल्टेज का मान कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये है वायरिंग डीसी, वैरी कर रहा है हमेशा वोल्टेज, ठीक है, घट बढ़ रहा है, इसलिए इसका नाम है वायरिंग डीसी। और ये है पल्सेटिंग डीसी, पल्स ग्रुप बन रहा है। देखिए ये कुछ प्रकार हैं डीसी के, जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यदि इन तीनों वेवफॉर्म को देखा जाए तो इन लोगों का, इन तीनों का स्मूथनेस सबसे ज्यादा किसका है? देखिए स्मूथनेस सबसे ज्यादा किसका है, प्योर डीसी का है। देखिए प्योर डीसी का है ना। यदि स्मूथनेस की बात की जाए तो देखिए सबसे ज्यादा स्मूथनेस कौन है, प्योर डीसी। देखिए प्योर डीसी सबसे ज्यादा स्मूथनेस है, उसके बाद वेरिंग डीसी है, फिर पल्सेटिंग डीसी, ठीक है, इसको दिखाया गया है। लोग सोच रहे होंगे इससे फॉर्म फैक्टर से क्या ताल्लुक है, यही स्मूथनेस ही फॉर्म फैक्टर को बताता है कि कौन कितना स्मूथनेस है। फॉर्म फैक्टर ये बताता है कि कोई वेव कितना स्मूथनेस है। जैसा कि मैं आप लोग को समझने के लिए बता रहा हूँ, यदि फॉर्म फैक्टर घटाएंगे तो स्मूथनेस बढ़ेगा, यदि स्मूथनेस बढ़ाएंगे तो फॉर्म फैक्टर घटेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ये एक दूसरे से व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अर्थात एक दूसरे के विलोम होते हैं। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। अब जरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसा कि ये पल्सेटिंग डीसी है तो इसका फॉर्म फैक्टर मान लीजिए 50 है, ठीक है। ये वायरिंग डीसी है तो इसका फॉर्म फैक्टर 20 है। ये प्योर डीसी है तो इसका फॉर्म फैक्टर 1 है। अब मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, प्योर डीसी का स्मूथनेस मैक्सिमम होता है और फॉर्म फैक्टर मिनिमम होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप लोगों को इस वेव हाफ साइकिल वेव से अच्छे से समझ आएगा कि फॉर्म फैक्टर होता क्या है, ठीक है। यदि इसका हम लोग RMS वैल्यू निकालें तो कुछ यहीं पर आएगा, ठीक है। देखिए फार्मूला होता है VRMS इक्वल टू 0.707 इनटू VM, ठीक है। फिर एवरेज क्या होता था, VAverage इक्वल टू 0.636 गुणे VM, ठीक है। और आप एक बात याद रखिएगा, ये साइन वेव का हाफ साइकिल है, ठीक है। हाफ साइकिल का VRMS वैल्यू ये है, एवरेज वैल्यू ये है, ठीक है। अब हाफ साइकिल का हम लोग फॉर्म फैक्टर निकाल रहे हैं, तो फॉर्म फैक्टर मैंने आपको बताया था क्या होता है, स्मूथनेस बताता है। जैसे कि मैंने
वीआरएमएस और वी एवरेज के बीच में एक ग्राफ ड्रा किया है, तो हमें स्मूथनेस कुछ देखिए मिल रहा है इस रूप में। यदि ये पेयर डीसी होता तो इसका स्मूथनेस को जो ग्राफ होता जो ये दिख रहा है ना आप लोग को रेड कलर का, वो सीधे लाइन होता। यदि ये लाइन देखिए, अगर ये लाइन पूर्ण सीधी होती ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं इसका फॉर्म फैक्टर 1 है ठीक है। तो ये सीधी नहीं है, देखिए कुछ इंक्लाइंड है, देखिए इंक्लाइंड है ना, तो इसका कुछ फॉर्म फैक्टर 1 से अधिक ही होगा ठीक है। तो हम लोग निकालते कैसे फॉर्म फैक्टर, वो देखिए फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज। तो आप लोग इसकी वैल्यू जानते ही हैं, वैल्यू रखेंगे तो देखिए हमें वैल्यू क्या मिला 1.11। आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये किसी भी साइन वेव के हाफ साइकिल का फॉर्म फैक्टर होता है ठीक है, किसी भी साइन वेव के हाफ साइकिल का फॉर्म फैक्टर होता है 1.11। ये हमें अब देखिए अगर ये 1 होता तो हमें एक सीध लाइन मिलती ना, यानी एक से अधिक है इसलिए हमें इंक्लाइंड के रूप में कोई एक लाइन मिली ठीक है, यही चीज लिखा गया है। अब देखिए पीक फैक्टर क्या होता है, जैसे कि एवीएम है अर्थात एम्पलीट्यूड है, आयाम है, हमें इसको निकालना है। जैसा कि हम लोग मल्टीमीटर से किसी वोल्टेज को चेक करते हैं तो बताता क्या है, वी आर एम एस वैल्यू बताता है, ना कि वो वी एम बताता है ठीक है। अब हमें वी आर एस बताता है तो वी आर एम एस देखिए इसकी वैल्यू हमें कुछ यहाँ पर मिलती है, मिल रही है देखिए, हम लोगों ने वोल्टेज कितना दिया था, वी एम दिया था, यही इनपुट भी होता है, समझिएगा बात को, यही हमारे द्वारा दिया गया इनपुट भी होता है, यही एम्पलीट्यूड भी होता है। तो हमें निकालना है इसकी वैल्यू ठीक है। तो अगर हम लोग मल्टीमीटर चेक करेंगे तो हम यहाँ तक की केवल वैल्यू बताएगा। तो देखिए पी फैक्टर इसका एंडी होता है सिर्फ सूडक, जैसे कि मैंने आपको बताया आयाम को ज्ञात करने के लिए होता है, आयाम को ज्ञात करने का एक गुणांक है ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है वी अपॉन वी आर एम एस, भाग कर देंगे तो इसका हमें एक वैल्यू मिलता है 1.414 ठीक है। यही वो गुणांक है जो हम लोग मल्टीमीटर चेक करते हैं उसका वोल्टेज आता है बताता है, तो उस वोल्टेज को 1.414 से गुणा कर दिया जाए तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी ठीक है, हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। इस प्रकार हम लोग किसी भी साइन वेव के हाफ साइकिल का एम्पलीट्यूड ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए धन्यवाद।